ट्रैक्टर तो तुमने एक तेक देखे होंगे, पर एक ऐसा ट्रैक्टर आया हुआ है जो सबको फेल कर दियो। ट्रैक्टर देख के लगे हो कि ये तो जेसीबी है। टायर ने देख के लगे कि ये तो कछु काम कर डा रहे हो। ये मोटे मोटे टायर ट्रैक्टर के ऊपर जहाँ छतरी लगी होते हैं वहाँ बिल्कुल कार जैसी बनी है। या समझ लो कि नीचे जेसीबी है और ऊपर पूरी कार। मतलब ट्रैक्टर में क्यों नए फीचर हैं? या मैं एसी चलते हुए कितनी धूप में खेत जोत रहे हो बिल्कुल गर्मी ना लगेगी, और ठंड में काम कर रहे हो तो हीटर चला लो। मतलब दोनों सीजन में मस्त बैठे रहो और ट्रैक्टर चलाते रहो। एसी कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ पे एसी प्लस हीटर है, इसको एचवीएसी सिस्टम बोला जाता है। तो इसके अंदर फैन को भी आगे पीछे ये लूअर्स दिए गए हैं हवा आने के लिए, जहाँ से ठंडी और गर्म हवा आती है। और कंप्रेसर दिया गया है, बोनट के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अंदर एक एचवीएसी यूनिट लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर का काम करते हुए हमें ठंडी हवा यहाँ से प्रदान करता है। इसके लिए एक अलग से बटन दिया गया है, अगर हवा के लिए अगर पंखा चलाना है तो ये पंखे के लिए अलग बटन दिया गया है, तो जिससे कि वो अपना पंखा चला के अकेली एयर ले सकता है। और सर्दियों के लिए हीटर की प्रोविजन भी दिया गया है, और एचवीएसी का गर्मियों के लिए दिया गया है। ट्रैक्टर में ब्लूटूथ कनेक्ट है जाए और पूरा डीजे की तरह बजे हो। और यहाँ पे एक ब्लूटूथ पूरा सिस्टम दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। तो मतलब कार की तरह अगर किसी को ट्रैक्टर में गाना सुनना हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट करो और शुरू हो जाओ। ये कंपनी फिटेड ब्लूटूथ पूरा सिस्टम रहेगा यहाँ पे, और स्पीकर इसके दिए गए हैं सारे। या ट्रैक्टर में एक दो ना है, पूरे 41 गियर है। सच बता रहा हूँ, कसम से इतने गियर तुमने एक संग कभी ना देखे होंगे। आगे और पीछे करना हो तो वाको तो गियर ही ना है। आगे पीछे करना हो तो बटन दबाए दो, काम है जाया, आगे चलो जाया और पीछे चलो जाया। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये चार गियर हैं, और चार इसको मेन गियर कहा जाता है, और ये इसके तीन इसके रेंज के गियर हैं, 4x12, और एक रिवर्स फॉरवर्ड के लिए ये गियर रहा। तो ये मतलब आप अगर बोलें तो 12+12 ये रहेगा। एक एडिशनल इस पर स्प्लिटर का लीवर दिया जाता है, जिससे कि इसकी गियर की संख्या 24+24 48 गियर हो जाते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर टोटल 48 गियर हैं के बिना क्लच दबाए आगे और पीछे करने के लिए एक बटन दिया गया है। ये ऐसा ट्रैक्टर है कि किसानन की बहुत मदद करे हो, ना गर्मी लगन दे हो ना ठंड लगन दे हो। स्टेयरिंग ऊपर नीचे है जाते है, काऊ किसान की लंबाई ऊंची है काऊ की छोटी है, वह हाइट के हिसाब से एडजस्ट है जाते है। अब तुम सोच रहे होगे कि माइलेज बता दूं, तो भैया एक बार टंकी फुल कराओ और टंकी में एक बार में आवत हो 110 लीटर डीजल। दिन भर चलाओ बिना बंद करें, कितनों लोड उठा लो और कितनों खेत जोत लो। ये तो ना हैवी है कि आजकल के ट्रैक्टर जैसे माल भरते ही अगला पहिया उठने लगा तो गेना बिल्कुल उठाओ, क्योंकि बहुत ही हैवी ट्रैक्टर है। निरे फीचर है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगे जैसे कार में बैठ के खेत जोत रहा हूँ, कार में बैठ के खेत को काम कर रहा हूँ। कितना माल उठाओ, कौन ले जाओ, मंडी ले जाओ, कितनी ठेली भर लो, आगे लोडर लगा लो, लोडर को काम कर दो। ये गजब को ट्रैक्टर है।